कोविड वैक्सीनेशन टास्क फोर्स एवं लीड बैंक की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि आईसीसी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का कॉन्टैक्ट टेस्टिंग किया जाए और ट्रेस्ट किए गए लोगों की कोविड 19 जांच भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव तथा शहर में बनी हुई निगरानी समिति को पुनः सक्रिय किया जाए और बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि टीकाकरण के लिए आईएमए का भी सहयोग लेकर प्राइवेट चिकित्सालयों में भी टीकाकरण कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव में सरकारी धन जमा करने हेतु 2 अप्रैल को सभी संबंधित बैंक अपनी शाखाओं को खोलने व ट्रेजरी चालान जमा करने की अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें, क्योंकि इस सप्ताह में काफी अवकाश होने के कारण ट्रेजरी चालान जमा करने में समस्या आ सकती है। उन्होंने कहा कि लीड बैंक मैनेजर अपने स्तर से उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं, जिससे ट्रेजरी चालान जमा करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। बैठक में एसएसपी दिनेश कुमार, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमारी मंथ वाइज पॉजिटिविटी रेट है सर, हमारी जो पॉजिटिविटी रेट 0.5% सर, केसेस बढ़ रहा तक का है, मार्च तक 30 तक का है। हम लोग ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्वे करते हैं कि कितने लोग वो सिम्टम के साथ आ रहे हैं, कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी पेशेंट भर्ती कर रहे हैं उन सभी की आगे पीछा करके और अपने ओपीडी के 50% को केवल 6 ही लोग हैं, एवरेज आपको घूम करके कहीं आ रहा है केवल 6। पहले 4 था, अभी तो थोड़ा सुधरा है, पहले तो 3 थे, फिर 4 था, अभी 6 हुआ। ठीक है, पहले से तो उनके इसमें क्या होगा सर कि अगर ये लोग मेरा ऊपर लेता हूँ सारे, आप लोग भी तनाव में, हम भी तनाव में, ऐसा मतलब कि आप मजा लोगे। ढंग से मेहनत करेंगे 1 महीने के अंदर फिर दब जाएगा, ऐसे छोड़ेंगे तो फिर यार वो जो सितंबर नवंबर में जो भी हुआ है वही हालत में होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो कुछ ना कुछ लेके आए हैं, इसलिए गांव निगरानी समिति में भी संतन करता है, सर्वेलेंस आपके आपके पास जिम्मेदारी निगरानी समिति पहले बनी हुई है, उसको तो दोबारा एक्टिवेट कराना है। कुछ ना भाई, तो गाँव से नया लोग कितने आए हैं, वो जो उन्हीं लोग का हमें तो सेलेक्ट करके टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं तो बस रैंडमली हम लोग 3,000 केवल पूरा करने के लिए हम लोग किए, बाहर से कितने लोग आए हैं सब, तो मैक्सिमम आप देखे हैं ट्रेंड ऑफ 10 दिन के क्या रहे, मैक्सिमम उसमें बाहर से आने वाले व्यक्ति क्या था, मुंबई जाने वाले हैं कहीं दिल्ली से आने वाले हैं, 80-90% वही बात क्यों निकल रहा है, तो उनका बेवजह पुराने वाले के चेक करने में फ़ायदा क्या है। तो नया वाला पोटेंशियल जो नया म्यूटेंट वायरस का लेके आ रहे हैं उनको पहले ही नहीं पहचानेंगे, पहले नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो फैलाते रहेगा, तो वही स्थिति आ जाएगा हम लोगों के पिछले तो वैक्सीनेशन से बचाव नहीं है, वो भी पता है ना, तो वैक्सीनेटेड लोग को भी आ रहा है सर, तो हो सकता है मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कम हो सकता है, ऐसे नहीं हम लोग वैक्सीनेट लगा दिए तो बस हम लोग सुरक्षित है, दूसरा वेरियंट आ रहा है तो वो खतरनाक है, हम ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट में रहें तो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप सीएमओ साहब चीज़ें लेकर लगना पड़ेगा, पहले से घटिया रहा है, अभी भी घटिया है और आगे हम ध्यान नहीं देंगे घटिया रहेगी।
पर्सनली अब लगी है, तो आगे तो मैं कार्रवाई करने के अलावा कुछ बचा नहीं। तो एक साल के बाद इन लोग किसी बीमारी से टीका नहीं है,